व्हाट्सअप, माय नेम इज ज्योति सेठी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ चंडीगढ़ में, जो है मेरा 6th स्टॉप आई गेस। मैं आ रही हूँ कल दिल्ली से। दिल्ली में आई एम श्योर आप लोगों ने व्लॉग अभी तक देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो वो सबसे पहले देख लो। एंड एनीवे, उसके बाद अब मैं चंडीगढ़ आई हूँ। कल शाम को मैं पहुंची थी और मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे पारुल, जो मेरी बहुत अच्छी और बहुत पुरानी दोस्त है, उसके यहाँ पे मैं हूँ। हम लोग बाहर जा रहे हैं। एनीवे, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि कल जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे तो हमें पता चला कि सतेंद्र सरताज जी का मतलब वो कहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं चंडीगढ़ क्लब में, और पारुल के पास पासिस थे और हम लोग निकल लिए, मतलब भाग के परफॉर्मेंस देखी। इसकी मैं क्लिपिंग अभी अटैच करने वाली हूँ, पहले वो देख लो। वेरी ब्यूटिफुल नाइट लास्ट नाइट, लेकिन मैंने उस पार्ट को व्लॉग नहीं किया क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ। तो ये छोटी छोटी जो क्लिपिंग्स अभी आपने देखी है वो बस मैंने फ़ोन से ले ली थी। एनीवे, सो अब दूसरी जो मेरी फ्रेंड आई हुई थी लुधियाना से मुझे मिलने, जो अभी आपने इसमें देखी है, वो आज सुबह जा चुकी है वापस क्योंकि उसका आज ऑफिस था। और अब मैं और पारुल निकल रहे हैं कहीं पर लंच करने के लिए, देखते हैं कहाँ जाते हैं पता नहीं। और यस, मैं अब आपको नीचे उतर के मिलती हूँ और फिर मैं पारुल से भी आप लोगों को मिलवाती हूँ। हाय पारुल। सो दिस इज पारुल, अभी वो रेडी हो रही है। सो पारुल की एक बड़ी पुरानी आदत है, जब मैं तैयार हो रही होती हूँ हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा चलो तैयार होते हैं और निकलते हैं, तो पारुल की एक इतनी प्यारी सी आदत है ना कि उस टाइम पे वो बोलेगी हाँ बस मैं तैयार हूँ, बस मैं तैयार हूँ, हाँ हाँ तू हो जा फिर निकलते हैं। और जैसे ही मैं ये पूरा बंधन के तैयार होकर खड़ी हो जाऊंगी तब वो सोचेगी कि यार मुझे ना एक्चुअली ये नहीं पहनना, मुझे ये पहनना है। फिर वो बैठेगी, प्रेस करेगी उसको। और पैर तो पहले तो मैं जब हम लोग एक्चुअली साथ रहा करते थे चंडीगढ़, जब हम पीजी में रहा करते थे, तो तब तो मैं बहुत इरिटेट होती थी ऐसी बात पे, मैं इसे लड़ना शुरू करती थी। बट अब मुझे थोड़ी सी आदत हो गई है, पता है कि जब मैं तैयार हो जाऊंगी तो पारुल कुछ ना कुछ करने लग जाएगी, तो अब मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो आज भी वही हुआ, मैडम जल्दी से तैयार हो जाओ फिर हम नीचे उतरते हैं। कैब हमारी आ गई है। कहाँ आया वो? नहीं आया अभी। सो वी आर गोइंग टू दिस प्लेस कॉल्ड दास्तान, विच इज इन सेक्टर 7। क्या खाया हमने? मटन? क्या गोश्त? गोश्त पता नहीं, बीच में मैंने फिर बिल्कुल चिकन विकन छोड़ दिया था और मैं बड़ी अच्छी वेजिटेरियन बन गई थी, पर फिर शादी जब हुई, शादी के बाद मैंने फिर से शुरू कर दिया। बाय द वे गाइस, सो दिस इज पारुल, पारुल से हाय। हाय। जब मैं चंडीगढ़ में नई नई शिफ्ट हुई थी अपनी पहली जॉब के लिए और मैंने एक पीजी चूज किया था, तो पीजी में जो रूम मेरे को अलॉट हुआ था वो था पारुल वाला रूम, और पारुल उस रूम की बॉस हुआ करती थी। मतलब जो पारुल बोलती थी वो हुआ करता था, बाकी सारी लड़कियां वही किया करती थी। तो हम लोगों ने इतना मज़ा किया है, हमारी बहुत क्या बोलेंगे, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी स्टोरीज रही हैं पारुल और मेरी। वी हैव स्पेंट वेरी गुड टाइम टुगेदर, वेरी वेरी गुड टाइम। हम दोनों एक दूसरे के कंधे पे सर रख के रोए हैं, हम लोगों ने मज़े किए हैं, इतना कुछ किया है हम लोगों ने। फिर ऑब्वियसली मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई तो हमारा थोड़ा, बट स्टिल जब भी मैं चंडीगढ़ आती हूँ आई मेक श्योर दैट आई स्टे एट पारुल्स प्लेस, और या आर फ्रेंडशिप इज स्टिल स्ट्रॉन्ग।
वेरी स्ट्रॉन्ग. और मैं तो मतलब दिखाना भूल गई कि मैंने क्या पहना है. चंडीगढ़ में आती हूँ ना तो मेरे को ऐसे पंजाबनों वाली फील आती है. तो मैं वैसे तो यू गाइज नो कि मेरे को सूट वूट पहनने बहुत पसंद है. बट सो दिस इज़ दैट दुपट्टा जो आपने देखा होगा मेरे जयपुर वाले हॉल में और जो मैंने चंडीगढ़ में ऑलरेडी इस्तेमाल कर दिया. ये है ब्लैक सूट जो पारुल का मांगा हुआ है. आई लव दिस ब्लैक सूट ऑफ हर्स. तो ये मैंने दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे. प्रॉपर पंजाबन, प्रॉपर पटोला. और मेरा देखा देखी पारुल बोलती है मैं भी सूट पहन लेती हूँ. हमारा चंडीगढ़ पैदल ही निकल लिया हम लोग क्योंकि मौसम इतना सुंदर हो रहा है और हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है. हम लोग 7 सेक्टर में आए थे और पारुल रहती है 27 में. तो अबाउट 10 मिनट्स की वॉक है. मतलब चंडीगढ़ में इतनी सुंदर सड़कों पर वॉक करना ना कभी कभी मिलता है मेरे को. सो वी डिसाइडेड टू वॉक. ये होती है चंडीगढ़ की सड़कें, साफ सुथरी, कम से कम ट्रैफिक, सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं. ये देखो बैक होम. सो ये पारुल की बैल्कनी है, कपड़े सूख रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ. मेरे को अपनी आज जो वीडियो डालनी है वो एडिट करनी है. सो आई गेट बैक टू माई एडिटिंग. मैं फ़ोन से ही एडिटिंग करती हूँ बाय द वे, और फ़ोन से ही अपलोड करती हूँ वीडियोज. सो आई विल बी एडिटिंग द वीडियो नाउ और मैं उसके बाद में